स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई हैं। इस बीच चुचूरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजेपी ने टीएमसी पर जिले रंग से उन पर हमला किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक हुगली में शनिवार को बीजेपी सांसद पर कथित रूप से जहरीला रंग फेंका गया, जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये हमला उस वक्त हुआ जब लॉकेट चटर्जी हुगली जिले के चुचूरा विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पहुंची थी। हालांकि बंगाल बीजेपी ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया है। आपको बता दें, लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि शनिवार की शाम वो अपनी महिला समर्थकों के साथ रविंद्र नगर के काली तला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। तभी कोडालिया दो नंबर ग्राम पंचायत के तृणमूल पंचायत प्रधान विद्युत विश्वास के नेतृत्व में टीएमसी के कुछ लोगों ने उन पर जहरीले रंग से हमला कर दिया। इस हमले में लॉकेट चटर्जी के चेहरे और आंख के कुछ हिस्से जख्मी हुए हैं। दर्द से परेशान लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वो होली समारोह में पार्टी का प्रचार करने आई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के बुलाने पर मैं उनके पास गई, वो मेरे साथ होली खेलना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैंने उन्हें सिर्फ रंगों की बिंदी लगाने की अनुमति दी। उसी समय महिलाओं के सामने खड़े दो पुरुषों ने कहा कि हम आपको जरूर रंग लगाएंगे। चटर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि वो किसी समूह का हिस्सा थे। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि मेरे चेहरे के ऊपर रंग जैसा कुछ फेंका और वो लोग भाग गए। हालांकि चश्मे की वजह से रंग आंखों में जाने से बच गया, लेकिन उनकी दाहिनी आंख में रंग की वजह से काफी जलन हुई। लॉकेट चटर्जी ने आगे कहा कि जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि मुझ पर रंग किसने फेंका, तो मैंने 3 से 4 लोगों को तृणमूल का बैच पहने देखा था। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि कोई महिला पर इस तरह से कैसे रंग फेंक सकता है। क्या कोई इस तरह किसी महिला पर हमला करता है? वहीं इस घटना के बाद बंगाल बीजेपी ने भी टीएमसी पर हमला बोलते हुए लॉकेट चटर्जी का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत प्रधान विद्युत विश्वास के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि टीएमसी की तरफ से लॉकेट चटर्जी के इन आरोपों को खारिज किया गया है। मामले में बीजेपी ने कहा कि घृणा, हिंसा और उत्पीड़न का ये खेला जल्द ही खत्म होगा। हार के डर से परेशान लोग अब महिलाओं को डरा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण के 30 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोट डाले गए हैं। शाम 6:47 तक बंगाल में 79.79% लोगों ने वोट डाले थे। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।